भाई किंजल जी, आप लोग सुबह सुबह कहां से आ रहे हैं? मंदिर पर, मंदिर जाकर ये सब? हाँ, वो तो हम जमीन पे साष्टांग दंडवत करते हुए मंदिर तक गए थे ना, इसलिए। भाई किंजल जी, आप लोग साफ साफ बताइए, कुछ तो गड़बड़ है, वरना आप लोग सुबह सुबह मंदिर और वो भी ऐसी हालत में वापस आ रहे हैं। किंजल जी, आप ही बताइए ना, क्या हुआ? थवल जी, आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? एक तो पहली लाइफ इतनी उलझी हुई है, ऊपर से आप अपने सवालों से उसे और उलझा रहे हैं। किंजल जी, मैं तो बस पूछना चाह रहा था कि खैर रहने दीजिए, भाई आप ही बता दो। विष्णु बोलू दिकरा, मैं तो पैदा ही हुई हूँ फूटी किस्मत लेकर, लगन पछिया घर में आवी तो इस घर में भी सुख के नाम पे ठट्टर गोपाल। हाँ कुछ जीना सम खाई ने कहू, इस घर और इस घर के एक एक सदस्य से मैं उब चुकी हूँ। अबे तारा सवाल जवाब पत्या होए तो मैं बेघड़ी जाके आराम कर लूं। मीठी, ठीक मोटा भाभी। मीठी, तुमने मेरे कमरे की साफ सफाई नहीं की है। आपका कमरा तो मैंने सबसे पहले साफ किया था, पर राशि का कहना है कि तुमने मेरे कमरे की सफाई नहीं की है। राशि भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मोटा भाभी का कमरा मैंने सुबह साफ किया तो था। क्या बात है मिठी, सुबह सुबह ये क्या बातचीत चल रही है? कुछ खास नहीं, राशि का कहना है कि मिठी ने मेरे कमरे की सफाई नहीं की है, तो बस मैं उसे वही पूछ रही थी। मिठी, ये क्या बात हुई? तुम तो रोज मोटा भाभी के कमरे से सफाई शुरू करती हो, फिर आज उनका कमरा क्यों नहीं साफ किया? नानी भाभी, मोटा भाभी का कमरा तो मैंने अच्छे से साफ किया था, लगता है राशि भाभी को कुछ गलत फहमी हुई है, आप खुद अंदर चलकर देख लीजिए। चलो। राशि, क्या है ये सब? हाँ, जी लेकिन मैं जब यहाँ कमरे में आई थी तब पूरा कूड़ा कचरा यहाँ दरवाजे के पास ही पड़ा हुआ था। राशि भाभी, अगर ये बात है तो वो कचरा भी किधर गया? आप क्यों मुझे सबसे सुबह सुबह डांट खिलवाना चाहती हैं? राशि, ये क्या बात हुई? किसी भी व्यक्ति पर उंगली उठाने से पहले तुम्हें ये अच्छी तरह से तसल्ली कर लेनी चाहिए थी कि जिस व्यक्ति पर तुम उंगली उठा रही हो, क्या सच में उसने गलती की है या नहीं? बेकार में सुबह सुबह तुमने शोर शराबा खड़ा कर दिया। नानी भाभी, वो तो मेरी बड़ी बहन जो मुझे यह काम पे लगा गई, उसने बोला सब लोग बहुत अच्छे हैं, तुझे अपने घर के सदस्य की तरह रखेंगे। मिठी देखो, रोते नहीं, आप लोग साफ साफ बोल दो, तू ठीक से काम नहीं करती, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। ये क्या बात हुई राशि? क्यों व्यर्थ में तुम घर की सुख शांति को भंग करने पर तुली हुई हो? ये सब करने में तुम्हें आनंद की प्राप्ति होती है? तुम अच्छी तरह से जानती हो ना, मणि के जाने के बाद बड़ी मुश्किल से मणि के कहने पर ही मीठी यहाँ आई है। अगर ये घर का काम छोड़कर चली जाएगी तो राशि, आज मीठी घर का एक भी काम नहीं करेगी।
जो जो काम मिठी के मत्थे हैं वो सारे काम तुम करोगी।